नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने को लेकर यह बैठक हुई है। 2022 में अच्छे बेहतर परिणाम आए, इसके लिए ये बैठक हुई है। वहीं संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए और पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर ये बैठक की गई है। तो बता दें आपको कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक की गई है और 2022 में अच्छे बेहतर परिणाम आए, इसके लिए ये बैठक की गई। वहीं संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए और पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर ये बैठक संपन्न की गई। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करो जैसे कि उनकी जगह पे 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में 300 पार। सुल्तानपुर के मोतीगढ़पुर थाना क्षेत्र में कार्यालय से निकलते समय अज्ञात लोगों ने महिला सहायक विकास अधिकारी गायत्री पांडे पर हमला बोल दिया। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गायत्री पांडे की माने तो कुछ दिनों पहले मलिकपुर बकरा गाँव में कोटा का चयन किया गया था, उसी को लेकर विरोधी पक्ष के लोगों ने उन पर हमला किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली के मेडिकल कॉलेज में काफी समय से फरार चल रहे डॉक्टर अनिल राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दो मरीजों को डॉक्टर अनिल राज ने अपने दबाव बनाकर उन्हें अपने मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदवाया और इसी को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। 1500 रुपए की दवाई 7000 में डॉक्टर अनिल राज खरीदवाते थे। डीएम ने अनिल राज के खिलाफ निलंबन के लिए शासन को पत्र लिखा है। वहीं प्रतापगढ़ के जिले के नगर कोतवाली अंतर्गत गोरे गांव में एसएसबी जवान छुट्टी लेकर घर वापस आया था। दबंगों ने एसएसबी जवान की पुरानी रंजिश में जमकर पिटाई कर दी। वहीं लाठी डंडों से लैस दबंगों ने जमकर एसएसबी जवान की पिटाई की, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल एसएसबी जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं न्याय न मिलने से एसएसबी जवान ने मजबूर होकर सीओसीटी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों तरफ से ये अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी उधर से लोग एक मजबूत उन्होंने कुछ ज़्यादा ही धाराओं में मुकदमा अपना तहरीर दी थी, उस तरफ ये पंजीकृत हुआ था, परंतु जो चीज़ें नहीं हुई थी उनकी धाराओं का लोप कर दिया गया है। और इधर से जो एसएसपी जवान को उनके द्वारा मारा पीटा गया था, उसमें हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और कल एक व्यक्ति को दूसरे पक्ष से गिरफ्तार भी किया गया है। शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके और आवश्यक। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत रामपुर में भी 13 बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है। इन 13 बच्चों में से 3 ऐसे हैं जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है। 10 बच्चों के माता पिता में किसी एक की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। सर्वे का काम अभी जारी है। वहीं योजना के तहत बच्चों के केयर टेकर को 4000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए योजना के तहत उनके अभिभावक या केयर टेकर को 4000 रुपए प्रतिमाह बच्चे की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वहीं लखनऊ में वसीम रिजवी के विवादित बयान कुरान के 26 आयतों को हटाने को लेकर शिया सुन्नी समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया है। मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से मुलाकात कर वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कार्रवाई न होने पर वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में संदिग्ध हालात में युवक की मौत हो गई। 20 साल के अमित यादव का गांव किनारे खून से लथपथ शव मिला है। वहीं इस मौत को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बिजली के तार में चपेट में आने से ये मौत हुई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर में 54 साल के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह खेत पर मृतक राजीव का शव पड़ा मिला। आपको बता दें कि शराब पिलाकर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस बात की जानकारी खेत पर काम कर रहे व्यक्ति ने परिजनों को फोन पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के हजरतपुर थाने में तैनात एक सिपाही ने पूर्व प्रधान पर डंडों से बरसात कर दी। दरअसल ग्राम चंगनसी के पूर्व प्रधान मुन्ना सिंह का अपने भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ शांति भंग में चालान कर दिया। इस दौरान पुलिस SDM कोर्ट में दोनों आरोपियों को लेकर आ रही थी कि तभी रास्ते में सिपाही ने पूर्व प्रधान से 150 रुपए किराए के मांगे। वहीं पूर्व प्रधान ने रुपए नहीं दिए, जिसको लेकर सिपाही ने पूर्व प्रधान को जमकर पीटा। वह इस मामले को पुलिस अब दबाने की कोशिश कर रही है। आगरा पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस शराब के ठेकों की सघनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि अगर शराब ठेकेदार की खामियां पाई गई तो इसकी जांच रिपोर्ट आगरा DM को सौंपी जाएगी। ये जो अलीगढ़ में जो एक बड़ी त्रासदी हुई है, मानवीय त्रासदी हुई थी, उसी के संदर्भ में शासन के दिए गए निर्देश के क्रम में मैं और मेरे साथ यशो साहब हैं यहाँ पे। हम लोगों द्वारा क्षेत्र में जो दुकानें हैं उनका सघन निरीक्षण किया जा रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दुकानों का निरीक्षण किया गया है, ताकि कोई अवैध शराब या कोई मिलावटी शराब या कोई नंबर दो की शराब की बिक्री न हो पाए और मानवीय जोखिम से बचा जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश में 5 मई से चल रहे आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आज 1 जून से 61 जिलों को राहत मिल जाएगी। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी 5 दिन सुबह 7 से शाम तक दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं रविवार को यह आदेश 55 जिलों के लिए जारी हुए थे, लेकिन सोमवार की कोरोना रिपोर्ट में 6 और जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम होने पर उन्हें भी प्रतिबंध से छूट देने के आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया। हालांकि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।